गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग, खालिस्तान की बात करने वाले लोग, सिर्फ और सिर्फ मुगलों की औलाद है, पाकिस्तान की आईएसआई की औलाद है। अगर उसमें दम है, वो $50,000 पंजाब के युवाओं को देके गुमराह करना चाहता है, तो मैं एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से उसको चेतावनी देता हूं कि अगर उसकी मां ने दूध पिया वो असल का है, तो वो पंजाब में बैठकर खालिस्तान की बात करे, पंजाब में बैठकर आकर जो है शिमला में जो है खालिस्तान का झंडा लहराने की बात करे, पंजाब में बैठकर जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कनाडा में बैठकर जो है हिंदुस्तान की शांति को भंग कर रहा है, हिंदू सिख भाईचारे को कमजोर कर रहा है, मैं उसको एंटी टेररिस्ट इंडिया की तरफ से चैलेंज करता हूं। कभी वो पार्लियामेंट पर खालिस्तान का झंडा लहराने की बात करता है, डॉलर दे दूंगा, $1,00,000 दे दूंगा, कभी वो लाल किले पर, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि 29 अप्रैल को आ जा आर पार, तुझे शिमला मिलेंगे, शिमला तेरी औकात बताएंगे। और मैं इसमें हिमाचल के डीजीपी को कंप्लेंट दे चुका हूं, तुरंत गिरफ्तार करके, तुरंत इसके खिलाफ FIR दर्ज करके, इसको विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की अनुमति से इसको कनाडा से जाके जो है नथ पाके इसको गिरफ्तार करके हिमाचल की धरती पर लाया जाए। इसको ये बता दूं कि ये देव भूमियां हैं, यहां बड़े बड़े दानवों का नाश हुआ है, मैं हमारे खून के ऊपर, हमारी लाशों के ऊपर जो है खालिस्तान बनेगा। और जरनैल सिंह भिंडरांवाला की जो ये साहित्य और झंडे फोटो लगे, झंडे उठाकर जा रहे हैं, ये भारतीय सेना ने इसके मौत, इसको मौत के घाट उतारा, दोबारा इस तरह के व्यक्ति को जन्म नहीं लेने देंगे, ना उसकी सोच को जन्म लेने।